भाजपा एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम भरोसी जाटव का इंटरव्यू। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम भरोसी जाटव लोकसभा चुनाव में करौली धौलपुर लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इसे लेकर हमारे रिपोर्टर हेमंत सिकरवार ने राम भरोसी जाटव से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, देखिए राम भरोसी जाटव का इंटरव्यू। नमस्कार सर, मेरा नाम राम भरोसी है, जाति से मैं जाटव हूँ, निवासी ग्राम कासगंज, पोस्ट हिनौता, तहसील मनिया का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मेरी ऑफिस 13 पुलिया जीटी रोड मनिया पे है और मैं भारतीय जनता पार्टी का सन 2000 से काम कर रहा हूँ और पार्टी में लगातार मैं अपने सक्रिय होकर के काम किया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी ने पहले मुझे एनजीओ प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया, दूसरी बार मुझे एससी मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया, दो बार जिलाध्यक्ष पहले बनाया, तीसरी बार वर्तमान में अब जिलाध्यक्ष मुझे बनाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ईमानदार समझ के मुझे इतना भारी वजन डाला कि सारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 3 बार जिलाध्यक्ष नियुक्त किया और मैं तो आज धौलपुर करौली धौलपुर से टिकट की दावेदारी की है। इसलिए की है मैंने कि भारतीय जनता पार्टी से धौलपुर जिले में आज तक कोई टिकट नहीं लाया और न किसी को टिकट पार्टी ने दी, तो मैं तो पार्टी से यही निवेदन कर रहा हूँ कि अब की बार करौली धौलपुर लोकसभा की टिकट को धौलपुर में दी जाए और जाटवों की संख्या को देख करके जाटव राम भरोसी को टिकट दे दी जाए। मैं तो आपसे आशा करता हूँ कि पार्टी भी हमारी ईमानदारी पर निर्भर वजन ऊंचे उठाएगी कि हमको टिकट निश्चित रूप में मिलेगी और अगर टिकट मुझे मिली तो मैं भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की सीट को पार करूंगा। और दूसरे में ये भी निवेदन कर रहा हूँ पार्टी से कि हम लोग अगर हमको टिकट भी नहीं मिलती तो अभी पार्टी के सक्रिय होकर के काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर नेताओं से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी वर्कर कमाई को देखते हुए, हमने जो काम किया उसको देखते हुए अगली बार हमें टिकट दे दी जाए। और मैं तो इसी कहकर धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और आशा है कि बिल्कुल टिकट देगी। और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के धौलपुर जिले में मेरी पकड़, हाई कास्ट के लोग मुझे साथ में लेकर चलते हैं और एससी मोर्चा के तो लोग चलते ही हैं, पर हाई कास्ट की ज़्यादा निगाह है मेरे ऊपर। अब भी हाई कास्ट सारी मेरे को ये कह रही है कि सर टिकट आपको मिलेगी, हम भारी मतों से आपको जिताएंगे और कांग्रेस मुक्त धौलपुर करेंगे। तो ये तो अब आशा है कि मुझे पार्टी टिकट दे दी तो मैं आप सारे जिले को और करौली धौलपुर जिले को विकास की गंगा लहराएंगे और लोगों की शिक्षा भी बढ़ाएंगे, लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। और मुझे आशा यही है कि पार्टी मुझे टिकट निश्चित रूप में देगी। राम भरोसी जाटव जी, आप ये बताएं कि सांसद के आगामी चुनाव हैं और भी सांसद की टिकट मांग रहे हैं, आपको पार्टी क्यों टिकट दे? साहब मुझे पार्टी टिकट दे कि मैंने 20 साल भरकर काम किया है और 20 साल में पार्टी को मैंने ईमानदारी से काम किया है। मेरी समाज के रिश्ते से पार्टी में मैंने वोट ज़्यादा है हमारे, तो इसलिए हमको पार्टी टिकट देने के लिए तैयार है और टिकट जरूर देगी पार्टी साहब। राम भरोसी जी, आप बीजेपी पार्टी में लगभग 20 से 21 साल हो गए आपको सक्रियता के रूप में, तो आप लोगों के बीच में भी बहुत रहे हैं। ऐसी क्या लोकसभा जो अपनी करौली धौलपुर सीट है उसमें ऐसी क्या समस्याएं थी जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं? साहब समस्याएं तो कुछ नहीं, हमारे जो सांसद जी थे, वर्तमान सांसद जी थे, वो कभी क्षेत्र में आते नहीं, हमारे कभी कार्यकर्ताओं के फोन उठाते नहीं, तो समस्या तो इस तरीके से रही थी। हमारा MP फोन नहीं उठाएगा, हमारी समस्या को सुनेगा नहीं, तो हमारी समस्या का समाधान करेगा कौन, ये समस्या रही थी। सबसे बड़ी बात, आप अगर आपको पार्टी कुछ कह के आपको पार्टी ले भी लेती है तो आपने क्या ऐसे मुद्दे तैयार करके रखे हैं, आपने ऐसे क्या विजन्स तैयार करके रखे हैं कि मैं करौली धौलपुर लोकसभा सीट है इसको अच्छी तरह से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं निभाऊंगा, ऐसे क्या विजन तैयार करे हैं? साहब मैंने ये कहा है कि पहले तो सारे लोगों में बच्चों को शिक्षा की दिशा में हम ले जाएंगे और विकास कराएंगे, किसी भी तरीके से करौली धौलपुर में कमी नहीं आने देंगे, ये हमारी मानसिकता रही है। चलो मान भी लेते हैं राम भरोसी जाटव जी के पार्टी आपको टिकट भी दे देती है और आप चुनाव जीत भी जाते हैं,
तो ऐसे कौन से वादे हैं जो आपने करके रखे वो जनता को बताएं कि जिन्हें मैं जीतने के बाद जरूर पूरा करूंगा। मैं करौली धौलपुर की जनता को जनता मिलकर रहूंगा, और जो करौली धौलपुर की जनता में वायदा हमने ये किया है, सबको पानी की व्यवस्था कराएंगे, शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे, जो अधपटना है हमारी जो दोराया खेड़ावारी नहर अधपट ली है उसको पूरी कराएंगे। ये हमने अपने मन में अपने विश्वास में कर रखा है कि हम लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आने देंगे। आपके मन में पार्टी के लिए करौली धौलपुर की जनता के लिए ऐसी कोई बात हो जो आप तक जनता तक पहुंचाना चाह रहे हो वो बताएं। मैं तो करौली धौलपुर की जनता से निवेदन करता हूं कि अगली बार मुझे टिकट दिवाई जाए तो मैं सारी जिले अपनी जनता को खुश रखूंगा, और अब मिलजुल के अपनी करौली धौलपुर की जनता में मिलजुल के काम करूंगा, किसी भी तरीके का उनको कमी नहीं आने दूंगा। राम ऋषि जी वर्तमान में जो अपने सांसद हैं वो फिर से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा सीट के लिए, यदि आपको न होके या अन्य किसी को न होके टिकट उनको मिलती है तब आपकी क्या स्थिति रहेगी? मेरी स्थिति यह है साहब, भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भजन लाल जी मुख्यमंत्री महोदय, अगर टिकट किसी को देते हैं, मनोज राजौरिया को क्या किसी को देते हैं, हम पार्टी के साथ रहेंगे और चढ़ करके अपनी पार्टी में काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामवरसी जाटव जी, जिन्होंने सांसद की टिकट के लिए जो टिकट सांसद की टिकट मांग रहे हैं और लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने विचार रखे, जनता के लिए अपने विचार रखे। मैं हेमंत शिकरवार अपने सहयोगी सचिन शर्मा के साथ फिर कभी मिलेंगे किसी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।